जेपी विश्वविद्यालय 2017-19 थर्ड सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, MA MSc MCOM थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, परीक्षा का रूटीन जारी हो चुका है। परीक्षा 26 तारीख से स्टार्ट होगा और एडमिट कार्ड को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड चेक करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। 2017-19 थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट यार लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर दो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। सब्सक्राइब जैसे करोगे बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा देना कि आने वाली पूरी जानकारी अपडेट भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो यार भाई, जितने भी जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एडमिट कार्ड और परीक्षा रूटीन को लेकर। स्टार्ट लाइव प्रूफ। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, जो भी अपडेट आता है लाइव प्रूफ, आपको सारी जानकारी इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर दिया जाता है, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरी जानकारी प्रूफ के साथ बताया जाता है। तो दोस्तों बीना विश्वविद्यालय में बना पीजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा का सेंटर। जी हाँ, परीक्षा का सेंटर बन चुका है और ग्रुप 4 ग्रुप में परीक्षा आप लोगों का बांटा गया है। जी हाँ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है। कुल परीक्षार्थी शामिल होंगे 1261। यहाँ पर देख सकते हैं किस ग्रुप में कितने परीक्षार्थी होंगे, चलिए जान लेते हैं। ग्रुप ए में 316 होंगे, ग्रुप बी में 335 होंगे, ग्रुप सी में 319 और ग्रुप डी की बात करें तो 291, ठीक है। ग्रुप ए में मैथ, अंग्रेजी, कॉमर्स, फिलॉसफी होंगे, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, सेमेस्टर सेकंड के किस ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो ध्यान से सब लोग सुन लीजिए। ग्रुप ए में होगा मैथ, अंग्रेजी, कॉमर्स और फिलॉसफी, ठीक है। ग्रुप बी की बात करें तो हिंदी, बॉटनी, उर्दू, संस्कृत, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ठीक है। और ग्रुप सी की बात करें तो साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी और होम साइंस। ग्रुप डी की बात करें तो जियोलॉजी और फिजिक्स। ये चार सब्जेक्ट, चार ग्रुप में ये सब सब्जेक्ट बांटे गए हैं, ये सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में स्नातक कोतर थर्ड सेमेस्टर 2019 की परीक्षा जो है 26 अगस्त से शुरू हो रही है। जी हाँ, 26 अगस्त से परीक्षा शुरू हो रही है। 26 अगस्त से 5 सितंबर तक आप लोग, सॉरी दोस्तों, 26 अगस्त से लेकर आप लोगों का, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 31 अगस्त तक जो है आप लोगों का परीक्षा चलेगा। साथ ही साथ BCA की भी परीक्षा स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, BCA की परीक्षा भी 26 अगस्त से ही शुरू हो रहा है। जो परीक्षा BCA की परीक्षा 5 सितंबर तक चलेगा, 26 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलेगा। लेकिन वहीं 2017-19 की बात करें तो 31 तक ही परीक्षा का रूटीन जारी किया गया और परीक्षा 31 तारीख तक ही चलेगा। सिर्फ 5 दिन आपका परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स का परीक्षा 2 पालियों में होगा, ये ध्यान से सुन लीजिए। 2017-19 के स्टूडेंट्स का पहला पाली फर्स्ट 10 बजे से स्टार्ट होगा और दोपहर को 1 बजे तक परीक्षा चलेगा। दूसरी पाली की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक परीक्षा का रूटीन परीक्षा चलेगा, ठीक है। तो परीक्षा दो दो पालियों में भाग बांटा गया है। वहीं बात कर लेते हैं BCA की परीक्षा की, तो BCA की परीक्षा जो है सुबह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक ना। तो क्योंकि आप लोगों को पूरी जानकारी दिया जाए इससे पहले, सुबह देखिए BCA की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और 12:30 बजे तक चलेगा, और वहीं दूसरी पाली 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक BCA की परीक्षा चलेगा, ठीक है। तो आप दोस्तों यहां पर बात आता है कि प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा कितने तारीख से स्टार्ट होगा, तो 1 सितंबर से प्रैक्टिकल परीक्षा स्टार्ट होगा, ठीक है। 31 तारीख को जैसे ही आप लोगों का ये परीक्षा खत्म होगा तो आप लोगों का 1 सितंबर से प्रैक्टिकल परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी 2017-19 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से सुन लो, प्रैक्टिकल परीक्षा 1 सितंबर से यानी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है। दूसरी बात, यहाँ पर स्नातकोत्तर की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 सितंबर से शुरू होगी, या परीक्षा 3 सितंबर तक चलेगा। परीक्षा प्रैक्टिकल जो है 3 सितंबर तक चलेगा लास्ट डेट, ओके। 1 तारीख से शुरू होकर 3 तारीख तक लास्ट डेट चलेगा। थर्ड सेमेस्टर 2017-2019 की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय कैंपस के PG विभाग को केंद्र बनाया गया है। सभी स्टूडेंट्स सुन लीजिए मेरी बात को। अब चलिए एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड को लेकर भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर ये आ रहा है
कि परीक्षार्थी का, देखिए जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका एडमिट कार्ड जो है 24 तारीख को जारी किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, आपका एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पर 24 तारीख को जारी होगा। सभी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड 2017-19 के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों का एडमिट कार्ड 24 तारीख को जारी हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, यानी आज हो गया है, कितना तारीख हो रहा है भाई, तो 21 तारीख हो रहा है, ठीक ना। तो आप लोगों को मालूम है 21 तारीख हो रहा है, 3 दिन और वेट कर लीजिए, ठीक है। 3 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आपको इसी चैनल पर एडमिट कार्ड जैसे जारी होगा, मैं लाइव प्रूफ चेक करके एक स्टूडेंट्स का दिखा दूंगा, आपको उसी तरह चेक कर लेना है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और इसी चैनल से जुड़े रहो, पूरी इन्फॉर्मेशन लाइव प्रूफ जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो कैसी रही कमेंट सेशन में जरूर बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जरूर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जेपी यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाए। वीडियो को सभी जगह फैला दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी फैला दो, फेसबुक व्हाट्सअप सभी जगह, जो भी आप ग्रुप चलाते हो ना उस जगह शेयर कर दो फटाफट, सभी स्टूडेंट्स को मालूम चल सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।